प्रदेश की कानून अव्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। बीते दिनों बिलासपुर में हुए गोलीकांड को लेकर भी आज भाजपा ने बिलासपुर में आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली के जरिए प्रदेश की कानून अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस रैली में शामिल हुए और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष जी, अनुराग जी और सारे यहाँ इस जिला के माननीय विधायक, पूर्व विधायक सब लोग आज एकत्रित हुए ताकि इस गंभीर विषय पर सरकार भी गंभीर हो सके। गोली चली है और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चली है, दिन दिहाड़े चली है और जो गोली चलाने वालों का जो कनेक्शन जिस प्रकार से निकल रहा है क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है, वो अभी तक जो चीज़ें उसमें से निकल कर के आ रही है कि यहाँ के पूर्व विधायक के पुत्र उसमें संलिप्त है। वहीं अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में जिस नेता पर जितने ज्यादा केस दर्ज होते हैं उसी नेता को चुनाव में टिकट देने का काम किया जाता है। उन्होंने प्रदेश की सुखविंदर सरकार को माफिया की सरकार बताया और माफिया को संरक्षण देने का सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस में तो जिसके ऊपर जितनी एफआईआर उसको उतनी बड़ी टिकट देने का काम किया जाता है। क्या कांग्रेस में नेताओं की कमी हो गई? क्या तलवारें चलाने वालों को, आतंक फैलाने वाले को, गुंडा और माफिया राज वालों को ही कांग्रेस टिकट देगी? सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कितनी गंभीर है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उस पर भी गंभीर नहीं थे। ये मित्रों और माफियों की सरकार है, एक और मित्रों को लाभ दिलाती है, दूसरी और माफिया को संरक्षण देने का काम सुक्खू की सरकार करती है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार को नशे के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। बिंदल ने कहा कि ये सरकार माफिया को, हथियारों को और नशा तस्करों को संरक्षण देने वाली सरकार है जिसके खिलाफ सबको एकजुट होना होगा। सरकार है ये, हत्याओं को संरक्षण देने वाली सरकार है ये। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है साथियों, ये क्यों हो रहा है इस पर हमको चिंतन करना।